बीते दिन माजरा मालवा जोड़ वाले फिरोजपुर के बंडाला पुल उत्ते उपर अमृतपाल के हक के धरना दिता जा रहा है, जिस दौरान पुलिस ने करीब 25 लोगों गिरफ्तार किया, जिन्हों से कार्रवाई करद्या उन्होंने फिरोजपुर की केंद्रीय जेल भेजा गया। उन्होंने कुछ लोगों जेल के रिहा किया गया, उन्होंने चार नौजवान 12वीं क्लास के विद्यार्थी से जिन्हों बीते दिन ही रिहा कर दिया गया, फिर चार लोग रिहा किए गए तो 14 बंदे कल हुण रिहा किए गए ने। हाले भी 3 बंदे जेल दे विच जिहड़े ने हजे जेल दे विच ही ने, पर अमृतपाल दे कुछ साथी समर्थक जिहड़े गिरफ्तार किए गए सी धरने दे दौरान वो जिहड़े आ हुण रिहा कर दिते गए आ। तुहानू दस दईए कि जेल दे विच रिहा किए गए उन्हां दे विच चार नौजवान जिहड़े आ 12वीं क्लास के विद्यार्थी सके, जिन्होंने बीते दिन ही रिहा कर दिता गया, फिर चार लोग होर रिहा किए गए तो हुण 14 बंदे जिहड़े हुण होर रिहा किए गए ने, हाले भी 3 बंदे जेल दे विच बंद ने। इस पूरे मामले से साडे सहयोगी कमल मल्होत्रा साडे नाल जुड़ चुके, उन्होंने जानकारी लवेंगे। तो कमल, फिरोजपुर की जेल के जड़े अमृतपाल के साथी जिन्हों धरने दौरान जड़ाया गिरफ्तार किया गया, हिरासत के लिया गया, उन्होंने रिहा कर दिता गया। चार नौजवान 12वीं के विद्यार्थी दसे जा रहे हैं जिहड़े बीते दिन ही जिहड़े आ रिहा किया गया, किवें देखदे हो उस पूरे मामले नूं? जी बिल्कुल सिमी, मैं दसना चाहना वा ऑपरेशन अमृतपाल तो बाद जिहड़े धरने ने सिख जथेबंदियों वल्लों लाए गए ने, उसके तहत ही जिहड़ा फिरोजपुर के बंडाला पुल के उत्ते जिहड़ा वा अमृतपाल के समर्थकों वल्लों धरना लाया गया सीगा, जिसनों कि पुलिस ने चुकवा दिता, तो उत्ते बैठे जिहड़े 25 जिहड़े अमृतपाल के समर्थक सीगे उन्होंने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करन तो बाद उन्होंने जेल भेज दिता गया। पर जदों पता चलिया जिन्हां विचों चार विद्यार्थी सन जिहड़े 12वीं जमात के पेपर देने से, उन्होंने उदों ही रिहा कर दिता, पर जिहड़े 21 जने सीगे वो उत्थे ही ने। पर जे गल की जाए अमृतपाल के समर्थकों वालों या जिहड़े धरना प्रदर्शनी सीगे उन्हां वालों, यह कहा गया वा भी साडे हक दे विच किसी भी जथेबंदी वालों या पंथक वालों साडे हक दे विच उलारा नहीं दिता गया, जिस तों काफी नाराजगी जताई। नाल ही उन्होंने कहा भी जिहड़े ये नौजवान ज जे समर्थक जे रिहा हो रहे हैं सब जमानत से रिहा हो रहे हैं, सरकार वालों नहीं उन्होंने छड़िया जा रहा, अजे भी उन्होंने जे 3 साथी ने वो जेल के बंद ने, वो कोशिश कर रहे हैं जल्दी जमानत करा के उन्होंने भी छुड़वाण की। पर सरकार दे वल्लों जो पर जिहड़ा पुलिस प्रशासन दे वल्लों इह कहा गया सी कमल के जिहड़े जिन्हां दा कोई कसूर नहीं है, जिन्हां जिहड़े सिर्फ धरने लगा रहे सी जिन्हां दा कोई कसूर नहीं है, जिन्हां ने कोई गुनाह नहीं कीता, जिन्हां दे कोई अपराधिक मामला दर्ज नहीं है, उन्हां नूं रिहा कर दिता जाएगा बिना किसी उस तों, ते उन्हां नूं चेतावनी दे के छड़ दिता जाएगा। जी बिल्कुल, सरकार वालों यह कहा गया वा भी जिन्हां दे कसूर नहीं उन्हां नूं छड़ दिता जाएगा, पर पहला ही इन्हां नूं पुलिस हिरासत में लैके इन्हों के FIR रजिस्टर करके इन्हों जेल भेजा जा चुका है, जिसनों वेखते इन्होंने वालों जमानत करवा के आप बाहर आए गए हैं। हूं जी सरकार वालों इन्वेस्टिगेशन करके जल्दी इन्हों के परचे दर्ज परचे जड़े ने वो कैंसल करने की सिफारिश की जाएगी। जी जी जे गल की जाए इस पूरे मामले की, तो जिन्हें भी नौजवान जोड़े गिरफ्तार हुए थे, जिन्हें नौजवान हिरासत के उन्होंने हूं भी कुछ जोड़े आ हजे भी जेल के बंद ने, उन्होंने क्यों नहीं छड़िया गया या उन्होंने जमानत नहीं हुई, इन्हों लैके पूरे मामले जो देखा जाए नौजवान जोड़े आ 12वीं जमान के विद्यार्थी भी जोड़े आ इस धरने के शामिल से, उन्होंने भी हिरासत के लिया गया, नौजवानों के मन के किस तरह के भाव पैदा हो रहे हैं, माहौल जोड़ा इस खराब हो सकता है? जी बिल्कुल, नौजवानों के जोड़ा मन के वह इस वे जी वह शंका जी आ रही है कि पंजाब के जोड़ा वह उन्होंने धक्का किया जा रहा है, उन्होंने कौम के धक्का किया जा रहा है, तो ना ही उन्होंने जी वह ये गल आ रही है कि जोड़ा साडा पंथ है, पंथ ने भी साड़ी जी है मदद नहीं की, उन्होंने आपदे आप ही जड़िया जमानत करके आप छड़ाए, उन्होंने हक में पंथ वालों कोई भी उलारा नहीं दिता गया, जिसनों वेखते हुए नौजवानों के काफी रोष है। तो जे गल की जाए 21 जणियां नूं रिहा कर दिता गया, 3 जणे जिहड़े ने अजे भी सेंटर जेल दे विच फसे ने। जी बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी जानकारी देने लिए पूरे मामले से। तो अमृतपाल के गिरफ्तार साथी सके उन्होंने रिहा कर दिया गया, 3 लोग हजे भी जड़े आ उसके साथी अमृतपाल के हजे भी जेल के बंद ने। पंथक आगुआ के नाल उन्होंने वालों नाराजगी जताई गई कि पंथक आगुआ ने उन्हों की सार नहीं ली, उन्हों का साथ नहीं दिता, उन्होंने हक के हां का नारा नहीं मारिया।